भाजपा कार्यकर्ता पर हमला, गले में धारदार हथियार से किया गया वार, अस्पताल में भर्ती। धनबाद के सरायढेला थाना अंतर्गत शिव मंदिर के समीप भाजपा कार्यकर्ता विकास मंडल पर जानलेवा हमला किया गया। भाजपा कार्यकर्ता के गले में किसी धारदार हथियार से वार किया गया, जिसमें गले में गहरा घाव बन गया है। घायल अवस्था में भाजपा कार्यकर्ता को SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना शुक्रवार देर रात्रि की है। भाजपा कार्यकर्ता के घायल होने की सूचना पर विधायक राज सिन्हा अस्पताल देखने पहुंचे थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि कोलाकुसमा के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विकास मंडल जमीन कारोबारी है। सरायढेला थाना के शिव मंदिर के समीप काजल प्रमाणिक के साथ बकझक हो गया। दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान चाकूबाजी की गई, जिससे कि विकास मंडल के गले में हमला कर दिया गया। हमले में वह घायल हो गए। इस मारपीट में काजल प्रमाणिक भी घायल हुआ है। दोनों का इलाज SNMMCH में चल रहा है। विकास मंडल को ICU में रखा गया है, जहां इलाज चल रहा है। काजल प्रमाणिक चाय दुकान संचालक है, तो वहीं विकास मंडल जमीन कारोबारी है। हालांकि दोनों में मारपीट क्यों हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद मामले की जांच में जुट गई है।